एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक किट वाले चोर की जानकारी है। ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों के गहनों पर हाथ साफ करने वाले हाईटेक चोर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी ज्वेलरी शोरूम में मंगलवार की रात चोरी हुई। पीपीई किट पहनकर चोर ने 20 करोड़ के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। बुधवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस को वारदात की खबर दी गई और गुरुवार की सुबह 24 घंटे के भीतर पुलिस ने वारदात को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने सारे गहने भी बरामद कर लिए जिनकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख नूर रहमान है। कोलकाता का रहने वाला रहमान एक साल से ज्वेलरी शोरूम में ही इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम कर रहा था। YouTube पर वीडियो देखकर इसने सारी प्लानिंग की थी। चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार इसने Amazon और Flipkart से ऑनलाइन मंगवाए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी बगल की एक बिल्डिंग से शोरूम के थर्ड फ्लोर पर दाखिल हुआ, उसके बाद थर्ड फ्लोर का ताला तोड़कर शोरूम में घुसा। इसने चोरी की प्लानिंग पहले से कर ली थी, इसीलिए इसने 10 दिन की छुट्टी भी ले ली थी। यही छुट्टी इसके लिए भारी पड़ गई। पुलिस ने जब शोरूम के कर्मचारियों की लिस्ट बनाई तो पता चला कि नूर रहमान छुट्टी पर है। बस यहीं से पुलिस को शक हुआ और वो पकड़ा गया। इसमें बहुत ही दिमाग से, बहुत ही प्लानिंग के साथ और हर तरफ से, मतलब बिल्कुल इसको फेल सेफ, फूल प्रूफ जिसको कहते हैं, उसको बनाया गया था कि ये पकड़ा कभी नहीं जाएगा। आरोपी शेख नूर रहमान का कहना है कि उसे शोरूम में परेशान किया जाता था, इसी गुस्से में उसने चोरी की। चोरी की प्लानिंग से लेकर अंजाम देने तक उसके करीब 40,000 रुपए खर्च भी हुए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।